हाँ जी बेटा सत श्री अकाल। तुहाडी बेटा असाइनमेंट जिहड़ियां ने इतिहास दे पाठ 6 दियां शुरू होईयां ने, उहदे विच जिहड़ी असाइनमेंट नंबर 1 है जी 24 तरीक नूं आई सी, उह तुहाडी बुक दे जो लैसन दा पहला ही पेज है उसदे बेटा फर्स्ट सैकेंड थर्ड इन्हां तीन पैराग्राफ्स दे विचों जिहड़ी है असाइनमेंट जिहड़ी तुहाडी आ चुकी है। इसदा कंटेंट जिहड़ा तुसीं अपने आप हुण पढ़ना है, ते मैं तुहानूं इहदे क्वेश्चन जिहड़े ने उह रिवाइज़ करवा रही हाँ। इतिहास किसदा अध्ययन है, पहला प्रश्न पूछा गया, इस पैरे विचों उहदा आंसर लभना है। तो पहली लाइन च मिल जाता है इतिहास अतीत का अध्ययन है। दूसरा प्रश्न है इतिहासकार ने भारतीय इतिहास में किहड़े तीन कालों में वंडिया, इहदा आंसर सानू मिल जाएगा भारतीय इतिहास में तीन कालों प्राचीन मध्यकाल और आधुनिक काल में वंडिया गया है। तीसरा प्रश्न वो पूछ रहे हैं भारत में आधुनिक काल का आरंभ कदों होया, दूसरा पैरा शुरू करोगे तो उस लिखा होया है भारत में आधुनिक काल का आरंभ 18वीं सदी में, अगे ही कुछ लिखने की लोड़ नहीं, उन्होंने सिर्फ तुम्हें ईयर पूछा है, बस 18वीं सदी में होया, यही आंसर देना है। चौथा प्रश्न पूछा गया है आधुनिक काल दौरान भारत में पाइया आईया यूरोपीन शक्तियों के नाम लिखो, आधुनिक काल दौरान भारत कि यूरोपीन शक्तियाँ आईया, तो असी हाँ जी बेटा यदा आंसर से कि कहड़ी यूरोपीन शक्तियाँ आईया, तो वह कारण भी देख लें कि इन्हों के आपसी झगड़िया ने बहुत सारिया विदेशी शक्तियाँ पुर्तगाली डच अंग्रेज़ और फ्रांसीसी भारत में अपनी सर्व उच्चता से साम्राज स्थापित करता, पर साडा आंसर है कि कहड़ी यूरोपीन शक्तियाँ आईया, तो असं सिंपल लिखांगे कि पुर्तगाली डच अंग्रेज़ और फ्रांसीसी यूरोपीन शक्तियाँ भारत में आईया। उस तो बाद बेटा साढ़े जड़े ने खाली थावान ने, खाली थावान दे विच पहली खाली थां है साड़ी कि यूरोप विच आधुनिक काल का आरंभ डैश सदी विच होया मन्या जांदा है, तो आंसर मैं सर्कल किया होया है कि यूरोप विच आधुनिक काल का आरंभ 16वीं सदी विच होया मन्या जांदा है। दूसरी जड़ी खाली थां है साड़ी वो है भारत विच 16वीं सदी डैश सी, भारत में 16वीं सदी डैश सी मध्यकाल, 16वीं सदी के समय भारत में मध्यकाल से जिहड़ा कि असीं पहला पढ़ भी चुके हैं। उस तो अगे है 18वीं सदी में भारत में डैश 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 पठान अते राजपूत आदि नवीं शक्तियों का उभार होया, तो आंसर है मराठे सिख रोहेले। उस तो बाद अगे इन्होंने लिखा ही होया तो यह तीन शक्तियों का उभार होया। फिर इस असाइनमेंट दी बटन आ जाती थोड़ी ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स दे विच असीं पढ़ांगे भारत में 16वीं सदी में मुगल बादशाहां दा राज सी, सही। इतिहास वर्तमान का अध्ययन है, बिल्कुल गलत। इतिहास अतीत का अध्ययन है, ना कि वर्तमान का, गलत है। भारत में यूरोपीन शक्तियों के आने नाल आधुनिक काल का आरंभ होया, बिल्कुल सही है। यह थोड़ी असाइनमेंट नंबर 1 और उसके सोल्यूशनस। इस तो अगे ही बेटा जी अज थोड़ी असाइनमेंट आई है वह शुरू हो जाती है, जिन्होंने कि असं कहे असाइनमेंट नंबर 2 डेट है 26 अप्रैल 2021। इस तो अगला जोड़ा पैर है, चौथा पैर है जोड़ा, इसलिए यूरोप में आधुनिक काल का आरंभ 16वीं सदी में होया, जो कि भारत इतों तो लैके अगले पेज के कोशिश कर रहे हाँ तक विचों इन्होंने चुनी हुई लाइना जड़ियाँ ने वो इस असाइनमेंट दियाँ पाइया ने, पूरे पैरे नहीं पाए, कुछ चुनी हुई लाइना तो कुछ को इन्होंने विचों कट करके पाया है। बट असं बुक में इसे पूरा निशानी लगा लाँगे असाइनमेंट नंबर 2। तो इन्होंने पहला प्रश्न पूछा यूरोप आधुनिक युग का आरंभ कि सदी में होया, तो सानू आंसर पैरे की पहली लाइन च मिल जाएगा यूरोप आधुनिक काल का आरंभ 16वीं सदी में होया। उस तो अगे इन्होंने पूछा नहीं, बट चलो मैं दस दिनी हाँ कि भारत में 18वीं सदी च होया सी। विदेशी समाजा नालों भारतीय समाज किवें भिन्न सी, किदा अलग सी, किदा डिफरेंट सी फॉरन सोसायटी नालों साड़ी इंडियन सोसायटी, तो यदा आंसर तुहानू अगली लाइन च मिल जाएगा कि उस समय विदेशी समाजा नालों भारतीय समाज में बहुत सारिया बुराइया प्रचलित सन, केड़ियां बुराइयां जिन्हों खत्म करने लिए भारतीय समाज सुधारकों ने बहुत यतन किए। बुराइयां केड़ियां सी, बुराइयां की होंदियां ने दाज प्रथा
बच्चे लड़कियां नूं जन्म लैंदे ही मार देना, सती प्रथा, छोटी उम्र च विआह जिहनूं असीं बाल विआह भी कह दिंदे आ, जां फिर औरतां दे पति दी डैथ हो जाण तों बाद उहनां नूं सती कर देना, पति दी चिता दे नाल ही उहनां नूं जला देना, फिर लड़कियां नूं बोझ समझना, उहनां नूं पढ़ाया ना जाणा, लड़कियां दा शोषण कीता जाणा, लड़कियां दे नाल जिहड़ियां जुड़ियां बहुत सारियां समाजिक कुरीतियां जिवें कि एक तो ज़्यादा विआह बहु विआह प्रथा होनी, जे कोई विधवा हो गई तो विधवा का द्वारा विआह ना करन देना, उहनूं अशुभ समझना, इस तरह दी बहुत सारियां बुराइयां सी। जाति प्रथा भी सी, जात पात छूत छात, नीवीं जाति उच्च जाति के लोग जो नीवीं जाति के लोगों बुरा व्यवहार करते, इस तरह दी बहुत सारियां बुराइयां सी जिहड़ियां कि उस समय भारतीय समाज में फैली हुई सी, जदों कि विदेशी समाज में इस तरह दी बुराइयां अज तक भी नहीं हैगियां। अगला प्रश्न है, भारतीय लोग आज़ादी प्राप्त करने लिए किवें जागृत होए? तो असी लास्ट लाइन देखांगे कि भारत के लोगों ने ज्यों ही भारत के लोगों ने पछमी सभ्याचार फॉरन जिहड़ा कल्चर है वैसटर्न कल्चर से जिहड़ा उन्हां दी जिहड़ी हिस्टरी सी इतिहास सी जां दर्शन शास्त्र जिहड़ी उन्हां दी फिलोसफी सी जदों उहदे बारे जानकारी जिहड़ी है प्राप्त की तो उहनां विच आज़ादी बराबरी भाईचारे की भावना पैदा हुई जिस तरीके करके वह जागृत होए। फिर आ गया भारत कदों आज़ाद होया, तो यह आंसर भी थोड़ा अगले पेज पर मिल जाएगा। भारत 1947 ईस्वी भारत ने आज़ादी प्राप्त की, तुम ईयर भी लिख सकते हो, सॉरी डेट भी लिख सकते हो, 15 अगस्त 1947। फिर आ गए बेटा खाली थावान, भारत में आधुनिक काल का आरंभ डैश सदी में होया, कि सदी होया 18वीं सदी में होया। भारत में 18वीं सदी के आरंभ में बहुत सारिया डैश प्रचलित सन, किस प्रचलित सन बुराइया। 18वीं सदी में भारत में बहुत सारे डैश से डैश स्थापित किए गए, स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए। इस तो बाद बड़ा तोड़ी आ जाती ने ट्रू फॉल्स, पहली सी भारत में 16वीं सदी में आधुनिक युग शुरू होया, गलत 18वीं होया सी। पछमी सिक्ख्या साहित और विचार ने भारतीय जागृत किया, बिल्कुल सही। भारत के लोग हौली हौली उन्नत अते खुशहाल होने की कोशिश कर रहे सन, बिल्कुल सही। इसी बड़े थोड़े असाइनमेंट नंबर 2 जिहड़े थोड़े इस तो पहला लैसन हो चुके ने वो भी सारे कंप्लीट करन तो बाद ये दो असाइनमेंट्स भी जिहड़ियां ने लाइन वाइज अपनी फेयर कॉपी दे विच कंप्लीट करो ताकि तुहाडे जिहड़ा लैसन है वो नाल दी नाल चले ते तुहानू समझ आवे ते तुहाडा किते भी कोई ब्रेक ना पवे किसी लैसन की। तो पहले लैसन कंप्लीट करन तो बाद अगर वो नहीं भी कंप्लीट किए तो जो लैसन चल रहा है फिलहाल इसनों कंप्लीट करो तो उन्होंने जगह छड़ दो तो उन्होंने बाद च कंप्लीट कर लियो। थैंक यू बेटा, अगर फिर भी हाले कुछ समझ नहीं आया तो तुसी मैनू जड़ा वा वो परसनली या ग्रुप दे विच मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा।